रामपुर चुंगी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक इनोवा गाड़ी में आगे हरियाणा नंबर और पीछे यूपी नंबर लिखा मिला। ग्रामीणों के अनुसार किसी आदमी को गाड़ी में बिठा रहे थे। अगर ग्रामीणों के अनुसार बात मानी जाए तो गाड़ी के अंदर हथियार रखे हुए थे। इसको देखते हुए ग्रामीणों ने तुरंत गाड़ी को रोका और इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। सभी स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची क्योंकि वहां पहले से ही गाड़ी की टक्कर में काफी जाम लगा हुआ था। क्योंकि आज किसानों की रैली भी उत्तराखंड में है तो तब जाकर पता चला कि वहां तो सीबीआई पुलिस दिल्ली की है। न्यूज उत्तराखंड समाचार से चैनल हेड पुनीत रोहिल्ला की रिपोर्ट। क्या हुआ पूरा मामला, क्या निकले फिर बाद में? इस मामले का मुझे अभी कुछ पता नहीं है जी। बाकी पता लगा तो बताऊंगा। मतलब अभी जैसे मौके पुलिस आई है तो क्या लगाया, सीबीआई वाले हैं लोग? एसबीआई लग रहे हैं, सीबीआई पुलिस से हैं। खुलासा देखो अभी घंटे एक में कैसे पुलिस कर दिया।